इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। भवाली शहर में नगर पालिका की ओर से अलग अलग स्थानों पर लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों की हालत दयनीय है। उनके रख रखाव के लिए कोई भी सफाई कर्मी नहीं लगाया गया है। भवाली शहर में रानी खेत रोड, नैनीताल रोड, चिल्ड्रन पार्क, रामगढ़ रोड सहित 9 स्थानों पर लाखों रुपए खर्च कर सार्वजनिक शौचालय व मोबाइल टॉयलेट लगाए गए थे। कई स्थानों पर अस्थायी शौचालय भी रखे गए थे। कुछ स्थानों पर शिकायतों के बाद हटा दिए गए। इन सभी शौचालयों की हालत सही नहीं है। इनमें पानी की सुविधा नहीं है, इनके अंदर गंदगी का अंबार है। मार्केट के दुकानदारों सहित आने जाने वाले राहगीरों को इनसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। भवाली मैन चौराहे में रोजाना सैकड़ों पर्यटक व स्थानीय लोग बसों व गाड़ियों के इंतजार में खड़े रहते हैं। वहाँ पर भी शौचालय नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों व पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने अधिशासी अधिकारी संजय कुमार से जब बात की तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उनका कहना है कि शौचालय की नियमित सफाई की जा रही है, जबकि विगत 6 माह से मोबाइल टॉयलेट फुल होकर बंद पड़े हैं। इनमें दरवाजे तक नहीं है। ये मोहाली क्षेत्र में जो मोबाइल टॉयलेट लगे हैं, जो बायो टॉयलेट लगे हैं, अभी जो है वर्तमान समय पर सारे बंद पड़े हैं। क्या कुछ उसमें कार्य चल रहा है? बंद तो बायो टॉयलेट तो हमारे खुले हुए हैं, उनकी नियमित सफाई भी हो रही है। और जहाँ तक आपके द्वारा ये रोडवेज परिसर और ये मेन मुख्य चौराहे के पास वाली स्थिति के बारे में पूछा गया, कि क्रम में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पूर्व में रोडवेज डिपो निर्माण के कारण यहाँ पर 2 शौचालय थे, उन्हें हटा दिया गया था। अब उक्त संबंध में हमारे द्वारा जो पुराना शौचालय यहाँ पर काफ़ी समय पूर्व का था, जिसकी जीर्णोद्धार की मरम्मत की आवश्यकता थी, उसके क्रम उक्त टॉयलेट के निर्माण हेतु हमारे द्वारा 31.41 लाख का एक आगणन बनाकर जो है निदेशक शहरी विकास निदेशालय को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति उपरांत हम जो है उसका निर्माण कार्य को पूर्ण कराएंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।